नमस्ते इंडिया। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज हम घूमने जा रहे हैं दिल्ली का सबसे मशहूर नोएडा सेक्टर 21 का मेला। तो आज हम आ चुके हैं मेले में और करेंगे मेले का सफर। क्या झूला भी झूलेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मौत की कुआं। जी हाँ, मौत की कुआं भाई। उनकी आवाज़ जो होती है ना, गाड़ी की गूंजती है उसके अंदर, क्या बताऊँ, हमें तो डर लग जाती है। बट इन भाई को स्टंट मारते देखो, ये दोनों भाई की क्या गजब के स्टंट मार रहे हैं, हाथ मिला के क्या चल रहा है। पहले मैं छोटा था तो सोचता था यार मैं कर लूँगा यार, कितनी आसान है, जब बाइक नहीं चलाता था। बट अब चलाता हूँ लेकिन सोचता नहीं हूँ। तो हमारे भैया बाइक वाले इतने स्टंट मार रहे थे तो कार वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो कार के स्टंट देख लो यार, दरवाजे से बाहर निकल के कैसे कार चला रहे, और एक एक नहीं पांच पांच, डर भी नहीं लग रहा कि पीछे से आगे कोई ठोक दे। बट एंड फाइनली आती है ये झूला, जिसे देख के तो बहुत सारे लोग पहले ही डर जाते हैं। बट तुम्हारा भाई का रोत हुआ है यार, हम तो झूलेंगे पूरा झूला, मस्त हम चील करके झूल रहे हैं। एंड अब आती है ये थोर की हथौड़ा। पता ना थोर कहाँ सूट कर रहा था, इतनी जोर से कैसे हथौड़ा मार दे जो इस मेले में आके अटक गई। तो चलो इस हथौड़े का भी लुत्फ उठाते हैं और झूलते हैं अभी। तो मैं तो आसानी से झूल लिया बोले तो, बट मेरे साथ जो भाई लोग गया था, पता ना उनको क्या हुआ, वो देख के डर गए। सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी ये विशाल सर्कस। भाई तुम्हारा भाई का क्या हुआ, तो अलग ही रुतवा है। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर रावण दहन। एंड इस मोमेंट में मैं एक द नो मोर पोएट्री के माध्यम से एक शायर सुनाना चाहूँगा, तो सुनिएगा। गलत फहमी है लोगों की कि रावण घमंड की वजह से मारा गया था। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप बताएं कैसा लगा, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बेल आइकन दबा दे, एंड चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे।